ज्यादा एक टैलेंट. ऑल्सो द मूवी न्यूटन, यू नो, ऐसे हिंदुस्तान में हमारे जैसे लोग जब न्यूटन का नाम सुनते हैं तो हमें वो लॉज ऑफ न्यूटन ऐसे याद आते हैं, पागल ही हो जाते हैं. सो हाउ डिड दिस मूवी कम टू यू, हाउ डज द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस मूवी कम टू यू? बिकॉज़ एक सिंपल स्टोरी बतानी थी जो हम सब आइडेंटिफाई कर सकें, क्योंकि मोस्ट पीपल आर नॉट पॉलिटिशियन, मगर मोस्ट पीपल वर वोट, तो हम सब वोटिंग बूथ से काफ़ी परिचित हैं. तो ये कहानी वोटिंग बूथ में बेस्ड है, और ये वोटिंग बूथ जो है ये एक ऐसे एरिया में है जहाँ पे आपके जीवन पे खतरा है. लेकिन आप अगर वहाँ वोटिंग करने जाते हो तो आपमें डेंजर है, तो ऐसे एरिया में है. और एक ऐसे किरदार की कहानी है, एक ऐसे कैरेक्टर की कहानी है जो नया नया गवर्नमेंट ज्वाइन कर किया है उसने, 25 साल का लड़का है, गवर्नमेंट ज्वाइन करके 4-5 महीने हो चुके हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा ईमानदार है, ज़रूरत से ज़्यादा ईमानदार है. ये इतना ईमानदार है कि इसको हमेशा परेशानियाँ होती है बाकी लोगों से, तो ये इसीलिए एक कॉमेडी बन जाती है, मतलब एक व्यंग हो जाता है, सर डार्क कॉमेडी. Dark comedy, agreed, and you've done a fantastic job. जब आज कल सुनते बड़े-बड़े जो एक्टर्स हैं, there's एक और time उनसे मैंने उनके साथ बैठा, मैंने देखा कि वो कैसे देखते हैं, कैसे चलते हैं, सब कुछ किया आपने इसके लिए? नहीं, कुछ तो होगा, कहते तो करते भी होंगे, तो क्या नहीं किया है, और कुछ तो करते ही होंगे अगर सब नहीं करते. पर इसके लिए मैं किसी real life character को नहीं मिला, कि अमित के बाद जो स्क्रिप्ट की अपने आप में काफी well research थी, और अमित ने मुझे कुछ books दी थी पढ़ने के लिए about election process, about the technical responsibility of a presiding officer. फिर उसके बाद मेरी as an actor मेरी जिम्मेदारी थी कि जो न्यूटन है, जब मैं कैरेक्टर को मैं समझ गया उसको बैग और कहाँ से यात्रा कैसे करता है, उसकी जो सिंसेरिटी है, उसकी जो ईमानदारी है, उसको मैं कितने अच्छे से स्क्रीन पर दिखा पाऊँ कि वो बिलीवेबल लगे, वो फोर्स ना लगे, और वो रिलेटेबल लगे, लोगों को उसकी आंखों में सच्चाई दिखे. यही मेरी जिम्मेदारी थी एज एन एक्टर, जो मैंने पूरी कोशिश की. Because there are beautiful nuances. In Newton नाम कैसे रखा था? ये मुझे जब कहानी मिली, हमें बुलाए थे, हमने एक शॉर्ट फिल्म की थी साथ में, बोले फिल्म में बना रहा हूँ, आओ आप सुनो. तो मैं पढ़ा, पढ़ने के बाद मुझे सीरियसली पता है क्या चला, बोले आप पढ़ लो. पढ़ने के बाद मुझे लगा कि मेरे को ये संजय मिश्रा वाला रोल देंगे, जो ट्रेनिंग का हमें आता है, हमें आदत है ना छोटे प्रिंसिपल, ये वो बन गए. तो उन्होंने बोला नहीं, ये मैं बोला अच्छा, मैं तो उसको दिमागी लग के पढ़ा ही नहीं था, है बहुत बढ़िया लिखी थी इन्होंने. फिर मैं तुरंत बोला कि भाई बिल्कुल करना है, ऐसे मौके एक अभिनेता के जीवन में ऐसे मतलब कम आती है, बहुत अच्छी स्क्रिप्ट बड़ी मुश्किल से मिलती है मुंबई में. तो हमने बस तुरंत हाँ कर दिया. और वही ये है कि अपनी हमारे मुल्क में ये दौर है कि मैं सबसे बड़ा ईमानदार, हर कोई बोल रहा है कि हमसे बड़ा कोई ईमानदार नहीं है. पक्ष बोलता है हम ईमानदार है, विपक्ष बोलता है हम ईमानदार है, छोटी छोटी स्टेट की पार्टियां बोलती हैं हम ईमानदार हैं, पत्रकार बोलते हैं हम ईमानदार हैं, कलाकार बोलता है हम ईमानदार हैं, फिर भी इतनी सारी बेईमानी है. ये फिल्म वही है. हम लोगों ने छत्तीसगढ़ में जाके शूट किया, हम लोगों ने वहाँ एक छोटी सी जगह है दली राजा, वहाँ के जंगलों में जाके शूटिंग किया, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत ही प्यारे लोग मिले हमें जिन्होंने बहुत वेलकम किया हमें, और बहुत ही सपोर्ट किया, बहुत ही कॉपरेटिव थे, और हमको किसी भी तरह की हमने छत्तीसगढ़ के आसपास थे, और कभी किसी तरीके की किसी भी मुसीबत का हमें सामना नहीं करना पड़ा. मेरा लास्ट क्वेश्चन, आई सॉ इट टुडे एंड फोटो भी लीजिए, एंड वी गोना थ्रो द क्यू एंड ए वेरी सून ओवर टू यू गाइस, बट उससे पहले बहुत सिंपल और बहुत ही प्यारी सी चीज होने वाली है. फोटो फोटो पोस्ट करते रहो, आप बैकग्राउंड में सुनते रहो. ऑलराइट, so the movie is fantastic, of course. That's the feedback that I can give, because I'm not going to talk detail me about the characters. My bara hai zyada hai, but aap main soch rahi thi tumko father of the year dene wali hu main Alok Nath ji ke baad, but aapne to pura role hi change kar diya. Alok Nath ji ke baad ab jo dusre father aaye hain, sanskari bhi aur thode cool bhi, wo Tripathi ji banenge. Fir matlab Tripathi ji ne Newton mein aisa kaam kiya jo bahut hi zabardast hai, fantastic, beautiful, beautiful movie. Kya jaaye aise
see your laugh, like, in the face of Mendel Keane. So, more for the details, she on it. काम कर इसके लिरिक्स लिखे हैं इरशाद कामिल साहब ने और म्यूजिक दिया है रचिता अरोड़ा ने. तो रचिता अरोड़ा जो है ये अभी मुक्काबाज जो फिल्म है अरोड़ा कश्यप की उनकी फाइंड है. तो हमने वो रिलीज होने से पहले उसको हमारे टीम में लेकर एक गाना था इवेंट. अब क्या हुआ कि इरशाद कामिल जी ने जो लिरिक्स लिखे थे बहुत ही खूबसूरत थे और इसके काफी सारे वर्जन बन सकते थे. तो रचिता ने दो वर्जन बनाए, दो कम्प्लीटली डिफरेंट वर्जन. एक है रॉक जो श्रीदेवी ने गाया है जिसका म्यूजिक वीडियो हम आज दिखाएंगे और दूसरा है फोक जो रघुवीर यादव जी ने गाया है जो फिल्म में भी है. तो वो हम फिल्म के क्रेडिट पे दिखाएंगे. तो वो दोनों गाने एक साथ लॉन्च होने वाले हैं, सेम लिरिक्स कम्प्लीटली डिफरेंट. तो अभी आप दिखाएंगे ये म्यूजिक वीडियो जो हमने श्रीदेवी ने गाया है. मगर इसके पहले थोड़ा एक चेक Yeah.